लंपी वायरस की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी करे प्रदेश सरकार। इस मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी चंबा व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उनके द्वारा यह मांग की गई कि सरकार इस बारे जल्द कोई उचित कदम उठाए। गौरतलब है कि लंपी वायरस के चलते हिमाचल प्रदेश के कई जिलों सहित चंबा जिला के गर्म इलाकों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। इसके चलते ग्राम पंचायत भनोता, उदयपुर, राजनगर, कियानी में कई गायों और बछड़ों की मृत्यु हो चुकी है। अतः उनकी मांग है कि सरकार इस बीमारी को महामारी घोषित करे, ताकि हिमाचल प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को उचित राहत मिल सके। आज हमने किसान कांग्रेस की तरफ से अपने आदरणीय एडीएम जी को ज्ञापन दिया, जो लैंपी डिजीज हमारे चंबा में जो फैल चुकी है, इसके बारे में इस उपलक्ष्य में हमने सब ने इकट्ठे करके एकत्रित होकर के एडीएम साहब को जो ज्ञापन सौंपा। हमने देखा पिछले लास्ट डे मैं ग्राम पंचायत बनौता, उदयपुर, डोला, चीमा और बनौता के ठोकराड़ा और लो बाड़ में गया, तो वहाँ पर इतनी बुरी हालत है पशुओं की कि आप देख नहीं सकते हैं। हमारी जो गौ माता हैं वो बेचारी अपने आंगन में लेटी हुई हैं, उनको उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है, ना तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इलेक्टेड पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कोई भी वहाँ पे उनकी सुध लेने नहीं गया, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा अफसर गया वहाँ पे, जो फोर्थ क्लास या थर्ड क्लास बंदे को भेजा जा रहा है और उनको कोई भी जिसका इस बीमारी के बारे में उनको कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि खासकर जो हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, मजदूर हैं, पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, मछली पालक हैं, इनकी तरफ जो जिनकी जनसंख्या लगभग 85% हिमाचल प्रदेश में है, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। मैं सरकार से ये भी अपील करूंगा कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 100 करोड़ रुपया जो है वो चीते पर खर्च किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है आपने किया, मगर जो गाय हमें दूध देती हैं, दही देती हैं, पनीर देती हैं, छाछ देती हैं, हमारी रोजी रोटी का साधन है, उनके लिए भी आप कम से कम 10-15 करोड़ का प्रावधान करें, 10-15 करोड़ का प्रावधान करें, ताकि जो ये हमारे पशुपालक हैं, गाय पालक हैं, हमारे जो जिम्मेदार हैं, बागवान हैं, किसान हैं, उनकी भी कुछ बने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गांव में जो हमारी औरतें हैं जो काम करती हैं, गाय पालती हैं, वो बिलक बिलक कर कर रो रही हैं। क्यों? कि उनकी रोजी रोटी का साधन जो है वो गौ माता ही है, वो कई की 10 किलो दूध निकलता है, कई का 25 किलो निकलता है, कई का 20 किलो निकलता है, वो जीरो हो गया है। आजकल वो दूध जो है वो 1 किलो भी नहीं मिल रहा है उनको। 19 दिन हो गए गाय को लेटे हुए। कल एक लेडीज बोल रही थी, मेरी 2 लड़कियां जो है एक कॉलेज जाती है, 100 रुपया दिहाड़ी उसको चाहिए, एक लड़की मेरी जो ट्रेनिंग करी है 100 रुपया उसको चाहिए, 400-500 रुपया मैं दूध बेच कर कमाती थी, 19 दिन से मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ। आप सोचो कि उस लेडीज का क्या हाल होगा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से और प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी गांव का दौरा किया जाए, उनको राहत, जिसकी गांव गाय की या पशुओं की डेथ हो गई है, मर गए हैं, उनको जो है फौरन राहत दी जाए, और इसके अलावा जिनको जिनकी गाय जो है दूध देना बंद हो गई है उसको किसी प्रकार की दवाई का प्रावधान करके उनको जल्दी से जल्दी राहत प्रदान करें। जय हिंद। तो ऐसा है, पशुपालन विभाग ने तो उन्होंने अपना बोल दिया होगा, मगर मैं आपको बता दूं कि लैंपी डिजीज जो है इसकी तो अभी तक दवाई बनी नहीं है। आप मैं कल गया तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या क्या दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं जी पैरासीटामोल दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी हम सिट्राजीन दे रहे हैं, तो वो कोई इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है वो, तो इसकी तो स्पेशल कोई बीमारी का इलाज होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो राहत कोष है, स्पेशल राहत कोर्स
वो जो है इसमें इस बीमारी के लिए अलग से होना चाहिए, सरकार की तरफ से कोई प्रावधान होना चाहिए, राहत कोर्स और एडवाइजरी जारी होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि अगर सरकार को हम टाइम देंगे 10 दिन तक के भीतर जो है इसका अगर कोई भी समाधान नहीं किया तो हम सारे गांव के गाँव वासियों को और पशुपालकों और भेड़ पालकों और किसानों को लेकर सड़क पे उतरेंगे। ये आपसे हम बताना चाहते हैं, सरकार को आगाह करते हैं।